दोस्तों मैं अरविंद, आज की इस वीडियो में आपको दिल्ली एमसीडी बर्थ सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप, अगर आपने दिल्ली एमसीडी ऑफिस जाकर अपने बर्थ सर्टिफिकेट को अप्लाई किया हो या चाहे आपने ऑनलाइन अप्लाई किया हो, तो कैसे आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो और उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हो कि आपका स्टेटस क्या है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना है कि नहीं बना है, कि रिजेक्ट हुआ है। आज के दो वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे कि कितने दिनों में आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है, दिल्ली बर्थ सर्टिफिकेट है, वो कितने दिनों में बनकर आ जाता है, और दोस्तों कैसे हमें डाउनलोड करना है, कैसे प्रिंट करना है, और कैसे हमको हमारा बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ कंप्लीट डिटेल में बताएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोस्तों दिल्ली का बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड और प्रिंट और अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एमसीडी बर्थ सर्टिफिकेट लिख के ब्राउजर में सर्च कर लेना है। आपको अपने मोबाइल फोन या डेस्कटॉप जो है उसका भी ब्राउजर है उसमें सर्च कर लेना है। फिर उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर सिटीजन पोर्टल का एक ऑप्शन आ जाएगा, सिटीजन पोर्टल। तो हमें सिटीजन पोर्टल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एमसीडी की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट को खुलने के बाद, और दोस्तों इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप इस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हो। इस पेज पर आने के बाद आपको इसमें कुछ बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है कि कितना चार्ज आपको लगेगा और क्या चार्ज है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, यहाँ पर सब कुछ लिखा है, आप वो पढ़ सकते हो। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं आपको पढ़कर नहीं बताऊंगा। आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन का ऑप्शन पर हमें क्या करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपका इसमें अकाउंट क्रिएट नहीं होगा तो आपको क्या करना है, न्यू यूजर पर नीचे की तरफ क्लिक करना है और अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कैसे कंप्लीट करना है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर अपना नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है, फादर नेम एंटर करना है, अपनी जो भी जेंडर है मेल फीमेल वो सिलेक्ट करनी है, ईमेल आईडी को एंटर करना है और एज एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, कैप्चा कोड एंटर करना है, फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करके अपनी ओटीपी को यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आपको ये कैप्चा जो यहाँ पर दिख रहा है उसको यहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका इसमें आईडी क्रिएट हो जाएगा, यानी कि आपका आईडी इसमें क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद इसमें आप डायरेक्ट मोबाइल नंबर से अपने लॉगिन कर पाएंगे। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर से इसमें लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम इस पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे, लॉगिन होने के बाद हमारे सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। दोस्तों इस डैशबोर्ड में क्या होगा कि हमने जो भी यहाँ पर अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किया उसका स्टेटस यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे कि मैंने एक फॉर्म यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर रखा है, तो दोस्तों अभी हमारा पेंडिंग है। पेंडिंग क्या है दोस्तों, हमारा अभी कल ही मैंने सबमिट किया था तो अभी ये हमारा पेंडिंग है, क्योंकि 20 से 21 दिन इसमें अप्रूव होने में लग जाते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपने यहीं से अप्लाई किया है तो आपको यहाँ पर अप्रूव का जो ऑप्शन दिख रहा है, अप्रूव वाले पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपका फॉर्म यहीं पर डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा। दोस्तों हमने यहाँ क्या है, एक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन है यहीं पर आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको नया सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, होम के नीचे है बर्थ स्टेल बर्थ डेट रजिस्ट्रेशन, तो हमें इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको क्या रजिस्ट्रेशन करना है, बर्थ रजिस्ट्रेशन करना है, स्टील बर्थ रजिस्ट्रेशन करना है या डेथ रजिस्ट्रेशन। तो हमें बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है जन्म प्रमाण पत्र के लिए, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसको हमें फॉर्म को अपनी सारी डिटेल एंटर करनी है बेसिक सी, और जो एसडीएम अगर आपका बच्चा एक दो दिन का है तो आप इसमें एसडीएम ऑर्डर कॉपी नहीं लगेगी, सिर्फ माँ बाप की जो फैमिली डिटेल है वो यहाँ पर एंटर करनी रहेगी। अगर कोई आपका बच्चा दो तीन साल का तो आपको यहाँ पर डिटेल एंटर करनी रहती है और आपको एसडीएम कॉपी भी लगती है। यहाँ पर क्या जेंडर सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है और बच्चे का बर्थ का टाइम क्या था वो एंटर करना है, बच्चे का नाम एंटर करना है, चाइल्ड का, माता पिता की डिटेल एंटर करनी है, वो आपको सिर्फ अपनी हिसाब से अपनी डिटेल को एंटर करना है यहाँ पर। और यहाँ एक ऑप्शन है सबमिट का, सबमिट पर क्लिक करके आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और आपको एक पेमेंट करनी रहती है। अगर बच्चा आपका एक दो साल का है और एक साल से नीचे का तो आपको यहाँ पर पेमेंट करनी रहेगी, अगर आपका बच्चा एक साल से ज्यादा तो आपको यहाँ पर 10 रुपए की पेमेंट करनी रहेगी। अगर दोस्तों आपका कोई पुराना कोई वो है आपका डेथ सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पर क्या करना, सर्च ओल्ड डाटा प्रिंट सर्टिफिकेट, तो आप इस पर क्लिक करना, अपना पुराना से पुराना बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अपने बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह में कोई करेक्शन करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट को यहाँ पर सर्च करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना रहेगा, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पर अपनी डिटेल एंटर करनी है, इस पर टिक मार्क करना और सर्च पर क्लिक कर देना, आपके सामने आपका डाटा आ जाएगा। हाँ दोस्तों आपको इसमें क्या करना है, अपना
कोई चेंजेस करना है, करेक्शन करना है, एड्रेस चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट शिफ्टिंग शेयरिंग चेंज मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ से मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हो। या फिर आपको मैनुअल डाउनलोड करना है ओल्ड सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर मैनुअल का भी ऑप्शन दिया गया है, उस ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों आपको इसी तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, मैंने आपको बता दिया कि आपने जो अभी अभी रजिस्ट्रेशन किया, आपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, तो दोस्तों इसमें एक महीने तक का भी समय लग सकता है आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होने में। जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो आप यहाँ होम वाले आइकन सेक्शन पर क्लिक करके अपने बर्थ सर्टिफिकेट को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने एमसीडी ऑफिस जाके अपने बर्थ सर्टिफिकेट को बनवाया तो आप यहाँ से सर्च डाटा पर क्लिक करके अपने बर्थ सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यही तरीका था एमसीडी बर्थ सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने का, जो कि हमने आपको बता दिया इस वीडियो में। उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक, हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।